हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, यहाँ पर 10 बज चुके हैं और आप सबके लिए हिंदी और जनरल साइंस का जो टेस्ट है लेकर के आया हूँ। और आज माफ़ी चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन रख पाए हैं, क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ज़्यादा सही नहीं है, तो इसी वजह से आज 50 क्वेश्चन है। बट कल से वादा है आपसे कि पूरे के पूरे जो आपके 80 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाता था वैसे ही करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, और सबकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के जो कंप्यूटर के करंट अफेयर के यूपी जीके के या यूपी टेट या सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड चैनल को देखना मत भूलें। वहाँ पर मैं कंप्यूटर करंट अफेयर यूपी जीके लगातार आपको दे रहा हूँ, तो सेकंड चैनल जरूर विजिट करें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इसका पीडीएफ आज जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां पर भी जुड़ना ना भूलें। तो चलिए, सभी लोग रेडी हैं? ओके, स्टार्ट करते हैं। ज्यादा परेशान मत होइए सभी लोग। तो हिंदी पहले स्टार्ट करेंगे और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची से 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है वही लेकर के आया हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चार ऑप्शन, तीन कथन दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। अगर हम बात करते हैं क्या हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द है क्या वो हिंदी संस्कृत के तद्भव शब्द है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। याद रखिएगा, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको प्रतिशब्द भी कहा जाता है। इसी अलावा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीन कह रहा है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का जवाब दे रहे हैं, दो और तीन सही है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। समझ में आ गया ना, हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के तद्भव नहीं होते, तत्सम होते हैं। तो यहाँ पर जो तद्भव दिया गया इसको इसके स्थान पर अगर तत्सम होता तो वहाँ पर करेक्ट होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो आप सबके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अश्वका पर्यायवाची नहीं है, कौन सा पर्यायवाची अश्वका नहीं है? जी हाँ, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका घोटक है और घोड़ा, ये आपके अश्व के पर्यायवाची हैं, जबकि जो तरंग है वो दोस्तों आपका घोड़े का पर्यायवाची या अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग जो होता है वो लहर का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? लहर का पर्यायवाची होता है, तो याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीन पर। तो क्वेश्चन नंबर तीन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। जवाब दीजिए सभी लोग, अनीक, देखिए अनीक का जवाब देखिए यहाँ पर सभी लोग दीजिए। तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सेना, सेना जो है वो अनीक का पर्यायवाची है। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे पर्यायवाची है होते हैं, कटक, अनीकनी, चमू, दल, सैन्य वाहिनी, ये सारे के सारे आपके अनीक के पर्यायवाची होते हैं। चलिए करेक्ट है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका चार देखिए क्या कह रहा है कि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर चार का जवाब दीजिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। जवाब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही देते हैं। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही बात है। जो पत्थर है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी बोल रहे हैं, उरग, उरग बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। उरग जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं बल्कि सांप का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? सांप का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर चार पर। तो आपसे क्या, पांच पर क्या कह रहा है, पक्षी का पर्यायवाची है, बताइए पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है, भूधर, वृंद, मीन या बिहग। चलिए जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग डी 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 बोल रहे हैं, बिहग, तो बिल्कुल सही बात है। जो आपका बिहग है वो आपका पक्षी का पर्यायवाची है। इसके अलावा खग, पखेरू, परिंदा और ये जो होते हैं ये भी आपके पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। भूधर पर्वत और मीन की अगर हम, भूधर जो होता है वो पर्वत का होता है और मीन की अगर हम बात करते हैं वो आपका मछली का पर्यायवाची होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर छः पर, जवाब दीजिए सभी लोग, नलिनी, कैरो और चंद्रप्रिया, ये बताइए किसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर छः, बहुत अच्छी बात है, मतलब क्वेश्चन आता नहीं आपके जवाब आने शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ पर कुमुदनी, बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कुमुदनी, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया, ये जो हैं आपके बेसिकली कुमुदनी के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग अभी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जरूर जुड़ जाएँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सात पर। क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, नहीं कह रहा है, तो यहाँ पर यातुधन, सुरारी और तमीर चर को छोड़ दें तो आपका जो धूम्र केतु है ये आपका आग का पर्यायवाची होता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, धूम्र केतु जो है वो आपका आग का पर्यायवाची होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आठ पर। क्वेश्चन नंबर आठ यहाँ पर क्या कह रहा है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए।
चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चार ऑप्शन है, कमल, कल्पवृक्ष, गुलाब और केवड़ा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, कमल, जो कमल है वो अरविंद का पर्यायवाची होता है। जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, ये सारे के आपके अरविंद या कमल के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित शब्द में कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बताइए सभी लोग, अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बेसहारा, यतीम, अनाड़ी और निराश्रित। अगर यहाँ पर देखा जाए, अनाड़ी बिल्कुल सही बात है, सभी लोग यहाँ पर करेक्ट जवाब दे रहे हैं। जो अनाड़ी है वो आपका क्या है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? चलिए जवाब दीजिए, अंधकार का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तम, अमावस्या, अंधेरा और तिमिर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अंधकार के बारे में, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। जी हाँ, काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं इस क्वेश्चन को लेकर के। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तब यहाँ पर हम लोग आसानी से जवाब दे सकते थे कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो हम लोग बोल सकते थे जो अमावस्या है वो अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समझ में आ गया ना? तो अंधकार के पर्यायवाची तम, अंधेरा, तिमिर होते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लें, और आपको जब PDF दूंगा मैं अपने वेबसाइट पर, तो आपको ऐसे ही करेक्ट करता हुआ दे दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर अमावस्या जो है तब करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्या कह रहा है, अनाज का पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देखिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अनाज, अनाज का मतलब क्या होता है भैया? यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका सस्य है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, सस्य, ये अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न, ये सब भी आपके क्या बोलते हैं, अनाज के पर्यायवाची रूप होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? जवाब दीजिए सभी लोग, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? 12 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, कल्प वृक्ष, कल्प तरु, कल्प वृक्ष क्या होता है भाई? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर कल्पतरु, परिजात और देववृक्ष, ये सारे के सारे कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा, चलिए कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, वसन। वसन जो होता है दोस्तों, ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा चीर, पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास, ये सारे के सारे आपके कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पर चलन है, गगन है और जंगल है, ये आपके कपड़े के पर्यायवाची नहीं होंगे। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आपसे कह रहा है खगेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खगेश का पर्यायवाची बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो 14 में कह रहा भाई खगेश, तो खगेश का पर्यायवाची जो होता है वैन तेय होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या वैन तेय क्या होता है ये भी जान लो, इसका मतलब होता है गरुड़। क्या होता है भैया? गरुड़। तो ये होता है गरुड़ के, बेसिकली ये गणेश, खगेश और वैन तेय गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। और विधु, विधु मतलब होता है भाई चंद्रमा, विधु जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। वासुदेव जो है कृष्ण जी का पर्याय, कृष्ण जी को वासुदेव बोला जाता है। तो यहाँ पर ये वासुदेव और विधु आपका चंद्रमा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 15 पर आते हैं। तो क्या कह रहा है, दुर्गा का पर्यायवाची कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारती, श्री, धात्री और ज्योत्सना। तो चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया सभी का, दुर्गा का पर्यायवाची बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। यहाँ पर जितने भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। दुर्गा का जो पर्यायवाची है वो धात्री है। इसके अलावा चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका, ये भी दुर्गा जी के पर्यायवाची शब्द हैं। और भारती आपको पता होना चाहिए सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। श्री जो है आपका लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द है। और ज्योत्सना जो है दोस्तों वो आपका चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो चारों ऑप्शन क्लियर हो गए, क्लियर हो गए हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए जवाब दीजिए सभी लोग, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? 16 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं कुंदन के बारे में, चलिए कुंदन का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो कुंदन का पर्यायवाची हो जाएगा हेम। तो जितने भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। स्वर्ण, कंचन, काटक, कुंदन, हेम, ये जो आते हैं बेसिकली आपके सोना या कुंदन के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका रियल मतलब जो लोग आप लोग जो रियल लाइफ में जानते हो, सोना होता है, सोना यानी कि गोल्ड वाला सोना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है, मार शब्द का पर्यायवाची है बताइए। मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं मार शब्द के बारे में, तो ये अनंग यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, अनंग का पर्यायवाची शब्द है।
समझ गए ना। तो मार के अन्य पर्यायवाची की बात करते हैं तो काम, कंदर्प, मंदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कितना मैं नाम गिनाऊंगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है, बताइए कौन सा शब्द जो है अही का पर्यायवाची नहीं है। तो 18 का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 18 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं 18 के बारे में तो यहाँ पर जो आपका सिंदूर है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है सिंदूर, ये आपका अही का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, आँख का पर्यायवाची है, ये तो सबको पता होना चाहिए, लोचन, वसन, पावक और प्रभा, पढ़ के ही बता सकते हो। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, लोचन जो है दोस्तों वो आपका आँख का पर्यायवाची है, नेत्र, दीर्घ, चक्षु, ये जो होते हैं आँख के होते हैं, पावक जो होता है अग्नि का होता है, वसन आपका कपड़ा यानी कि वस्त्र का होता है, और प्रभा आप लोग कमेंट करके बताइए किसका होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 का जवाब देखिए यहाँ पर दीजिए सभी लोग, विडौला पर्यायवाची शब्द है किसका, विडौला जवाब दीजिए सभी लोग। देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। तो विडौला की अगर हम बात करते हैं किसका पर्यायवाची शब्द है, तो विडौला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इंद्र जी का पर्यायवाची शब्द है। विडौला के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, वासव, देवराज, पुरंदर, सचीपति, ये सारे आपके विडौला के पर्यायवाची शब्द है या इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में से या निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए जितने भी साथी अभी यहाँ पर जुड़े हैं प्लीज़ वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए, फूल का पर्यायवाची चिन्हित करना है आपको। 22 में फूल का पर्यायवाची क्या होगा, चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो प्रसून, प्रसून सभी का जवाब यहाँ पर प्रसून आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, जो लोग बोले ऑप्शन नंबर डी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, प्रसून हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 का जवाब दीजिए सभी लोग कि निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा नहीं बोला गया है, तो यहाँ पर कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है, और आप देख सकते हैं UP SSC सम्मिलित अवर अधीन सेवा थर्ड में ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। तो 23 में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है किंकर, किंकर जो है दोस्तों वो आपका देवता का पर्यायवाची नहीं है, जबकि किंकर जो होता है वो दास, किसका पर्यायवाची होता है, दास का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, धूसर का पर्यायवाची शब्द देखिए आना शुरू हो गया। तो धूसर का दोस्तों पर्यायवाची बेसर होता है, याद रखिएगा इसका पर्यायवाची क्या होता है, बेसर। तो जितने भी लोग यहाँ पर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके अलावा गजवदन, सदन और खनक, गजवदन गणेश जी का पर्यायवाची होता है, सदन जो है आपका क्या बोलते हैं, सदन शायद घर का होता है। जी हाँ समझ में आ गया ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाहुना का पर्यायवाची क्या है, पाहुना, चलिए पाहुना का पर्यायवाची बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब आ रहा है। तो पाहुना का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों आगंतुक होता है, आगंतुक, मेहमान, अतिथि, ये सारे आपके पाहुना के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आदित्य दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, और कृषक आपका किसान का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो पर्यायवाची और विलोम है इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन और मैं करवाऊँगा, और आज मैं आपको पहले बता दिया था कि क्यों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया, बट कल का जो वीडियो होगा यानी कि अभी हिंदी खत्म हो रहा है, अभी साइंस बाकी है, साइंस को टेस्ट दे लेना उसके बाद जाना, लेकिन हिंदी में आपको बताना चाहूँगा कल अभी कम से कम 100 क्वेश्चन हिंदी के और 50 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, तो 150 क्वेश्चन का कल टेस्ट होगा, कल संडे भी है तो कल वाला टेस्ट जरूर दीजिएगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब आते हैं सीधे विज्ञान की तरफ। तो विज्ञान के लिए सभी लोग रेडी हो जाइए, और विज्ञान से भी 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका विज्ञान से ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कि चंद्रयान फर्स्ट भारत का चंद्रमा पर पहला मिशन है, जिसको कहाँ से हरिकोटा से, मतलब कब हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चलिए चंद्रमान फर्स्ट का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आ रहा है 22 अक्टूबर 2008 को। आप देख सकते हैं कि मंडी परिषद 2018 में ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, और अब देखिए आप जो क्वेश्चन बनेंगे आपके चंद्रयान 2 से बनेंगे, तो चंद्रयान 2 को भी अच्छे से आराम आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए यहाँ पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है, जिसे 2015 में अधिकृत किया गया और जिसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग जवाब दीजिए, और देख सकते हैं अभी मंडी परिषद 2018 यानी कि एग्जाम तो आपका 2019 में हुआ था, तब ये पूछा गया था। 2 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है, याद रखिएगा भारती
जो आपका ये ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय, यहाँ पर भारतीय अंटार्कटिका में भारत का नया बेस है जिसे वर्ष 2015 में स्थापित किया गया और इसका निर्माण 134 जहाज रानी कंटेनरों से किया गया है। या अब ये मान सकते हो इसका जो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इसको आंशिक रूप से 2012 में स्थापित किया गया था लेकिन पूर्ण रूप से 2015 में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि भारत की पराध्वनिक मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज को प्रारंभ में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR की शर्त के अनुसार 290 किलोमीटर पर कैंप किया गया था। जुलाई 2018 प्रक्षेपण के अनुसार इस एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर कितनी कर दी गई। देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। तो जवाब देखिए कुछ लोग सही दे रहे हैं कुछ लोग गलत दे रहे हैं। तो इसकी रेंज जो बढ़ा करके 290 किलोमीटर से बढ़ा करके 450 किलोमीटर कर दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, अच्छे क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस में रीजनिंग में आपके आ रहे हैं तो वो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम बात करते हैं भाई ब्रह्मोस के बारे में, तो ब्रह्मोस जो है वो भारत के DRDO और रूस की एक क्या बोलते हैं एजेंसी है, NPO मशीनो इस्त्रोनियो, वो रूस में रशियन में बोलते हैं इस्त्रोनियो ऐसे कुछ बोलते हैं, NPO मशीनो इस्त्रोनियो, इसके संयुक्त उपक्रम में एक विकसित किया गया था, क्या बोलते हैं एक ऐसा आप मान सकते हो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस जो नाम है वो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर ब्रह्मोस के बारे में तो याद रखिएगा भारत की जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है और रूस की जो मास्कावा नदी है, इन दोनों नदी के नाम पर रखा गया है ब्रह्मोस, याद रखिएगा। और इसकी जो रेंज है वो भारत स्टार्टिंग मैंने आपको बताया 290 किलोमीटर पर रखा गया था और बाद में जब 2 जुलाई 2018 परीक्षण किया गया उस परीक्षण के अकॉर्डिंग इसे जब एलीट क्लब में भारत के प्रवेश के बाद इसकी रेंज बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई। तो इतनी चीजें आई होप आपके लिए इनफ होगी इस क्वेश्चन को लेकर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है बट ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम या सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। तो बताइए चार नियम दिए गए हैं, बताना है कौन से नियम सही तरीके से मेल नहीं खाते हैं। तो पहला कह रहा है एवोगाड्रो का नियम, एक ही तापमान और दबाव में सभी गैसों के बराबर मात्रा में अणुओं की समान संख्या होती है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है बायल का नियम, तो बायल यानी कि गैसों में दबाव और मात्रा के बीच संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कह रहा है कि संक्रमण सिद्धांत, व्यक्ति से व्यक्ति में संचारित होने वाली जीवित एजेंट के कारण होने वाली संक्रामक बीमारी, ये संक्रमण सिद्धांत, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखा जाए तीन कथन तो सही है। आप देखिए चौथा कथन कह रहा है हुंड का नियम, परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर जितने भी लोग ऑप्शन डी बोल रहे हैं वो करेक्ट है। हुंड ने रसायन शास्त्र में बहुलता का नियम प्रतिपादित किया था जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि रिक्त कक्षक पर्याप्त नहीं है या रिक्त कक्षक पर्याप्त है, अर्थात जब तक संभव है, रिक्त कक्षक जब तक संभव होगा, यह हुंड का नियम था। यहां पर जो ऊर्जा पर स्तर नहीं रख सकते यह कोई हुंड का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, जवाब दिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो एक साधारण लोलक की जो समय सीमा होती है, याद रखिएगा, लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोलक की लंबाई पर, सरल लोलक की जो समय सीमा होती है या उसको बोलते हैं आवर्तकाल जो होता है वो लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पर या समय सीमा दे या यहाँ पर आवर्तकाल दे, तो दोनों एक ही चीज़ है, इसको अलग अलग मत लीजिएगा, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन मापता है, यदि वह व्यक्ति 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर उसका वजन कितना है, 600 न्यूटन है। अब वो व्यक्ति जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर जा रही लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जा रहा है, यानी कि गति इसकी समान है, एक समान गति होती है, तो त्वरण आपका कितना होगा, 0 होगा। अगर त्वरण 0 है तो आपका जो तुला में दर्शाया गया भार होगा वो उसी के समान होगा, कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन। यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, समझ में आ गया ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, जो भार होता है, जैसे तुला में दर्शाया गया अगर भार दिया गया है तो भार का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस जी और इंटू एम होता है, या एम जी प्लस ए होता है। तो ए यहाँ पर 0 आ गया है, तो 0 क्या हो जाएगा, एम प्लस जी हो जाएगा, तो वही सेम आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए 600 न्यूटन के समान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, सही है, कौन सा यहाँ पर सही है, बताइए सभी लोग।
तो घर्षण, अगर हम बात करते हैं घर्षण के बारे में दोस्तों, तो घर्षण जो होता है वो गति का विरोध करता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहला कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसके अलावा तीन कथन जो है वो आपके गलत हैं। घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता है, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। घर्षण क्या होता है भाई, घर्षण एक प्रकार का बल है जो गतिमान वस्तु को क्या करता है, पीछे की ओर ढकेलता है, और जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वहां पर घर्षण बल पैदा होता है, और ये जो बल होता है वो गतिमान पदार्थ के विपरीत दिशा में लगता है, यानी कि अगर गाड़ी आगे चल रही है तो घर्षण जो है पीछे की तरफ लगेगा, ऐसे होता है। समझ में आ गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विसर्पी घर्षण क्या होता है, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर हम बात करते हैं विसर्पी घर्षण के बारे में, तो दोस्तों विसर्पी घर्षण जो होता है वो सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है, तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। समझ में आ गया ना। तो विसर्पी घर्षण याद रखिएगा, सीमित घर्षण से थोड़ा सा कम होता है, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये विसर्पी घर्षण होता है, एक सीमित घर्षण होता है, एक आपका लोटनिक घर्षण होता है। तीन घर्षण होते हैं जिसमें से लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है और सीमित घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, सीमित या स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक, लोटनिक का सबसे कम, और जो मध्य में होता है वो आपका विसर्पी घर्षण होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, समझ गए ना। तो अगर विसर्पी घर्षण पूछा जाए तो सीमित घर्षण थोड़ा कम, लोटनिक घर्षण पूछा जाए तो सबसे कम, यानी कि सीमित और विसर्पी भी कम, और जो आपका सीमित घर्षण होता है वो सबसे अधिक उसका होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहां पर कह रहा है कि इसरो का मुख्यालय स्थित है, जवाब दीजिए सभी लोग, इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। बिल्कुल सही जवाब यहां पर आना शुरू हो गया है, बेंगलुरु में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसरो यानी कि भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जो है कर्नाटक प्रांत की राजधानी बेंगलोर में स्थित है। और इसरो को बेसिकली 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। समझ में आ गया ना, शांति के पुरस्कार से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या कह रहा है कि BARC कहाँ पर स्थित है, बार्क, बताइए। BARC फुल फॉर्म मैं आपको देता हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ट्रांबे, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। बार्क जो है वो आपका ट्रांबे महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान व अभियांत्रिकी तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों को बहु विषयी अनुसंधान का बेसिकली एक केंद्र है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, जवाब दिए सभी लोग, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं। सभी का जवाब अल्फ्रेड नोबेल, 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 जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, क्या आप लोग सही हैं भाई, बिल्कुल सही बात है भाई, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार जो है किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है सर। चलिए बढ़ा जाए आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलिए 12 का भी जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो मैडम क्यूरी जी हैं, मैडम क्यूरी जी ने विज्ञान की 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। एक तो 1903 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के लिए, 1903 यानी कि 1903 ईस्वी में भौतिक विज्ञान के लिए, 1911 ईस्वी में रसायन यानी कि यहाँ पर फिजिक्स में प्राप्त किया था, और 1911 में केमिस्ट्री में प्राप्त किया था। तो ये दोनों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, टेप रिकॉर्डर जो होता है वो आपके टेप की चाल कितनी होती है। देखो जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल अलग अलग होती है, और सामान्य जो टेप रिकॉर्डर है उसमें जो टेप की चाल होती है याद रखिएगा 1/7/8 इंच प्रति सेकंड होता है। ये अगर कभी ऑप्शन में दिया नहीं है, नहीं अगर ऑप्शन में दिया है तो इंच प्रति सेकंड ये बिल्कुल करेक्ट वाला होता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं हमको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो इसको जब बदल देंगे तो ये बदल करके आपका आ जाएगा 4.7625 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये करेक्ट वाला होता है। अब 4 पॉइंट इसके सबसे पास में देखा जाए तो कौन है, 4.76, यानी कि जो भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ये होता है भैया एक टेप रिकॉर्डर में, एक सामान्य टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो स्टीफन हॉकिंग है एक, स्टीफन हॉकिंग क्या है बताइए। 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो बिल्कुल सही बात है भाई, स्टीफन हॉकिंग जो है एक वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है करेक्ट हो जाएगा। इनका पूरा नाम था स्टीफन विलियम हॉकिंग, एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी
थे, मतलब अब तो नहीं रहे ये, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14 मार्च 2018। हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले, तो 14 मार्च 2018 को इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई थी, यानी कि 14 मार्च 2018 को। और इनके बारे में और क्या फेमस है, इन्होंने क्या दिया था, बिग बैंग थ्योरी को समझाने में इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, और ये जो एक होता है ना ब्लैक होल, इसके ऊपर भी ये रिसर्च कर रहे थे, तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कण बोसान नाम का संबंध किससे है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोसान नामक कण है उनका संबंध किससे है, बताइए किस नाम से है। जेसी बोस, एसएन बोस, आइजेक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा SN बोस। किसी को फुल फॉर्म पता है क्या SN बोस का, जवाब दीजिए, किसी को पता है। कुछ लोग जवाब देखिए देना शुरू हो गए हैं, तो याद रखिए इनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, भौतिक शास्त्री थे, और भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते थे। इन्होंने भौतिक शास्त्र में दो प्रकार के अणु माने जाते हैं, बोसान और फॉर्मियन, और बोसान जो है वो सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर ही है, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और सबको इसका जवाब बिल्कुल पता ही होगा, जवाब भी जैसा सबके आ रहे हैं। तो आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बेसिकली आर्किमिडीज ने बोला था कि जब किसी द्रव में या किसी तरल में कोई वस्तु डुबाई जाती है, तो उसके भार में आई कमी जो होती है, उस वस्तु के भार में आई कमी और उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए जल के तुल्य होता है, जल के भार के तुल्य होता है, तो ऐसा उन्होंने एक परिभाषा दिया था। और जब भी ये आर्किमिडीज सामने आते हैं ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत सामने आता है, तो क्लास 9th या 10th में हमारे एक टीचर थे, उनकी परिभाषा याद रहती है, वो लड़कों को सिखाने के लिए उनको याद रहे, उन्होंने एक फनी वे में एक परिभाषा बनाई थी कि जब कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पूर्ण या आंशिक रूप से डूब जाता है, तो उस लड़के के पढ़ाई में आई कमी उस लड़के के प्यार के तुल्य होती है। तो उन्होंने एक फनी वे में लोगों को याद रहे ऐसे बताया था, तो आप लोग भी फनी वे में लीजिएगा, बहुत ही अच्छी मतलब मजे आते थे यार स्कूल के, जब भी दिन याद आते हैं तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है, ध्यान से देखिए कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होते हैं, जो विद्युत चुंबक होते हैं बताइए किससे तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए सभी लोग, 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक के बारे में, तो विद्युत चुंबक जो होता है वो बेसिकली नरम लोहे से तैयार होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किससे तैयार होता है भाई, नरम लोहे से तैयार होता है। एक विद्युत चुंबक का निर्माण एक सॉलिनाइड में नरम लोहे की जो कोर होती है, जो छड़ होती है, उसको डाल करके करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, बताइए सभी लोग जवाब दीजिए। जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, क्या होता है। जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है भाई, जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है, याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो आयतन होता है न्यूनतम होता है तथा घनत्व अधिकतम होता है। जैसे जैसे तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की ओर आता है, जल का घनत्व भी घटने लगता है। यानी कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि जब जल जमता है यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, तो उसका घनत्व क्या होता है, घटता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्या कह रहा है भाई। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा किस नाम है, यानी कौन सी भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिजाइन किया गया और विकास किया जा रहा है, जवाब दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन इसका जवाब देता है। तो 19 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, तो सारस, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारस नाम का। सारस भारत का पहला स्वदेश में डिजाइन व विकसित असैनिक विमान है, जो बहुत ही हल्के परिवहन विमान श्रेणी के अंतर्गत आता है, और इसको बेसिकली जो आपका CSIR है या बेसिकली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है, इसके द्वारा जो कि बेंगलुरु में स्थित है, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है या विकसित किया गया है, किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए सभी लोग जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है, तो याद रखिएगा स्विच, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो भी लोग बोल रहे हैं स्विच जो होता है, इसका उपयोग उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जवाब दीजिए सभी लोग। कह रहा है कि भारत में कुल सिंचाई का 45% घरेलू पानी का कितने परसेंट भूजल रिजर्व से आता है, बताइए। तो भारत में कुल सिंचाई का 45% तो आपका भूजल रिजर्व से आता है, लेकिन घरेलू पानी का कितना परसेंट, तो घरेलू पानी का 80%, याद रखिए कितने परसेंट भाई, 80% जो होता है वो भूजल रिजर्व से आता है। तो जितने भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं, ग्राउंड वाटर रिजर्व यानी कि भूजल रिजर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, क्या कह रहा है कि
गलत मिलान की पहचान करें। फाउंटेन पेन, यहाँ पर कुछ आविष्कार दिए गए, आविष्कारक दिए गए, तो आपको मिलान करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो अमीटर है, जितने भी लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, अमीटर का आविष्कार जो है वो किया था क्रिश्चियन ऑस्टर ने किया था। किसने किया था? क्रिश्चियन ऑस्टर ने किया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रेड, क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने किया था, ट्रेड है तो क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने किया था, जबकि जैकरियन जेंसन ने नहीं किया था, जैकरियन जेंसन ने नहीं किया था। समझ में आ गया ना? जैकरियन जेंसन यहाँ पर नाम आया, क्या किसी को आइडिया है इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? कोई बताएगा इनका? क्योंकि बहुत ही फेमस चीज़ का आविष्कार किया था इन्होंने। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही। जो लोग बोल रहे हैं दूरबीन, वो लोग करेक्ट है। तो जैकरियन जेंसन ने दूरबीन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? बताइए, कुछ वैज्ञानिक आविष्कारक से संबंधित खोज है, तो ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल सही बात है भाई। जो ट्रांसफार्मर है उसकी खोज किसने की थी भैया? माइकल फैराडे ने किया था। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि असंगत मैच को पहचानिए, असंगत मैच को पहचानिए। कुछ यहाँ पर फिर से वही दिए गए हैं, प्रिंटिंग प्रेस, बैक्टीरिया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और कुछ उनके खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर असंगत मैच, तो देखा जाए ऑक्सीजन की जो खोज है, प्रिंटिंग प्रेस, बैक्टीरिया और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो दो ऑप्शन हमें गलत दिख रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जोहानसन गुटेनबर्ग सही है, बैक्टीरिया एंटोनी वॉन ल्यून वे क्या नाम है ल्यूवेन हॉक, ये भी सही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई ऑक्सीजन के बारे में, तो इसका जो खोज है ये इसका सबने पढ़ा होगा भाई, जोसेफ प्रिस्टले। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तो गलत है ही है, जोसेफ प्रिस्टले। लेकिन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर अगर बात किया जाए, तो हाइड्रोजन का जो खोज है वो हेनरी केवेंडिस ने किया था, ब्लेज पास्कल ने नहीं किया था। तो यहाँ पर देखा जाए सी और डी, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर सी और डी दोनों गलत है। ऑक्सीजन का याद रखिएगा किसने किया था भाई? प्रिस्टले ने किया था, और इसके अलावा हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी केवेंडिस ने किया था। समझ में आ गया ना? तो इस उत्तर का विकल्प वैसे पता नहीं क्यों दो दो ऑप्शन दिए गए हैं। और ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में क्वेश्चन आया था कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन पर क्या बोलते हैं उसको, अपवाद क्या बोलते हैं, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया था। अगर किया होगा तो इसका हो सकता है आंसर सही आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। बताइए, चार ऑप्शन दिए गए हैं सही मिलान करना है आपको, माइक्रोओवन, पर्सी स्पेंसर, ट्रांसफार्मर पियरे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही मिलान की पहचान करना है, तो यहाँ पर कौन सा सही है आपको ये देखना है। तो अगर हम बात करते हैं माइक्रोवेव ओवन के बारे में, तो ये पर्सी स्पेंसर बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा ट्रांसफार्मर आपको पता है माइकल फैराडे ने किया था, तो ये गलत है, माइकल फैराडे हो जाएगा, माइकल फैराडे याद रखिएगा, ये माइकल फैराडे ने किया था। बैटरी का आविष्कार जो है वो वोल्टा ने किया था, पूरा नाम शायद एलेसेंड्रो वोल्टा था, वैसे याद रखिए वोल्टा याद रखिएगा, ये बैटरी का आविष्कार, यानी कि ये बैटरी का आविष्कार इन्होंने किया था, एलेसेंड्रो, यहाँ पर लिखा तो है एलेसेंड्रो वोल्टा। और वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार जो है किसने किया था भाई? ये किया था पियरे वर्नियर ने, यानी कि यहाँ पर ये मिल जाएगा इनसे, पियरे वर्नियर ने। अब यहाँ पर चार ऑप्शन क्लियर हो गए ना आप सभी के, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जिसका ए है वो सही मिलान हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भैया थे आज के 25-25-50 क्वेश्चन, आज कम क्वेश्चन थे, उसके लिए फिर से एक बार माफी चाहूँगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे सुबह 9 बजे रीजनिंग के क्लास में। सब लोग यार लाइव नहीं देखते हो रीजनिंग क्लास 9 बजे, क्या आप लोग सो के उठ नहीं पाते या कहीं और बिजी रहते हो? यार 9 बजे आ जाया करो, लाइव क्लास देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया ना? तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं सबसे फिर से सुबह 9 बजे।